मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में अवैध शराब के ठिकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बोड़ा थाने के गांव खुलखेड़ी में गुरुवार सुबह पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के ठिकानों पर धावा बोला है। टीम ने इलाके में अवैध शराब बनाने वालों की 14 दुकानों को तोड़ दिया गया, जबकि अभी भी कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक जिले के खुलखेड़ी में अवैध शराब के कारोबार की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी बीच गुरुवार को कलेक्टर हर्ष दीक्षित, एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम ने दबिश देते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। जेसीबी की मदद से अवैध शराब के ठिकानों को जमींदोज किया गया। कार्रवाई के दौरान 3 एवं 2 मंजिला दुकानों व मकानों को मिलाकर सुबह 11 बजे तक 14 दुकानों को तोड़ दिया था। 6 दुकानें 3 मंजिला व 3 दुकानें 2 मंजिला सहित 14 दुकानों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि कई लोग मौके से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। गुलखेड़ी गांव में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब के उक्त ठिकानों पर दोपहर बाद तक कार्रवाई चल सकती है। पुलिस द्वारा अवैध शराब के ठिकानों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। इधर ब्यौरा के पचोर को सेंटर पॉइंट बनाकर अलग अलग जगह अवैध शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया गया।